रफाल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में तकरार थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी पर सवालों के तीर दाग रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन अब राहुल गांधी के सवालों पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया है। रफाल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी को भ्रष्ट बताते हुए 8 सवाल दागे थे। उन्होंने पूछा था कि पीएम मोदी ने देश की जनता को अंधेरे में क्यों रखा, मोदी सरकार ने डील के बारे में सच क्यों छिपाया, क्या इस डील से मोदी ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाया है। राहुल गांधी के ये आरोप खुद को भ्रष्टाचार मुक्त बताने वाली मोदी सरकार के दामन पर दाग लगाते हैं। लेकिन बावजूद इसके पीएम मोदी ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी, जबकि मोदी ब्रिगेड सरकार का बचाव करने में लगी है। आज मैदान में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उतरे, जिन्होंने राहुल गांधी के सवालों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश फ्रांस सरकार और रफाल बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अब तक ना तो अरुण जेटली, न रविशंकर प्रसाद और न ही निर्मला सीतारमण के आरोपों का जवाब दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल ने इस सौदे में जिस प्राइवेट कंपनी को शामिल करने के लिए जिस फ्रेंच मीडिया संगठन की झूठी रिपोर्ट का हवाला दिया, रफाल बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने उस बात को नकार दिया है। राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रफाल की कीमत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है। राहुल ने पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर मोदी के बारे में अनाप शनाप शब्द कहने का आरोप लगाया, जो गलत साबित हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने रफाल की भी कई कीमतें बताई, वह महज एक एयरक्राफ्ट और एक फुली लोडेड एयरक्राफ्ट की कीमतों की तुलना कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने राहुल के 8 सवालों के बदले जवाब दिए हैं, लेकिन अब इस जवाब के बाद भी यह कहना मुश्किल है कि रफाल पर विपक्ष के वार कम हो जाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।